भागलपुर ततारपुर में लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। आक्रोशित लोगों ने ततारपुर चौक पर NH-80 जाम कर जमकर किया हंगामा। ततारपुर पुलिस पर लगाया गलत कार्रवाई का आरोप। मौके पर पहुंचे सिटी DSP सहित कई थानों की पुलिस। दरअसल ततारपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मौलाना चक रेलवे केविन के समीप चाय दुकान पर बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। ततारपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जवानों के साथ चाय दुकान पर पहुंचे और छापेमारी की। इसी बात को लेकर ततारपुर और मौलाना चक के लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करते हुए NH-80 जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस जवान घायल हो गए। हालत इस कदर बेकाबू हो गया कि ततारपुर पुलिस को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही CT DSP राजवंश सिंह, विधि व्यवस्था DSP निसार अहमद शाह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। संपार के पास कुछ क्राइम इधर बीच हो गए थे, ततारपुर पुलिस उसी क्रम में गई और दुकान जो खुला हुआ था उसको उसने कहा बंद करना होगा, बंद कर दो। इसी बात पर कोई डाटा रखता होगा चाय वाले को, इस बात को लेकर आक्रोशित हो गए लोग। हम लोग तक बात पहुंची नहीं और उस आक्रोश में लोगों ने ततारपुर चौक को जाम करने का प्रयास किया। तब तक खबर मिली हमारे इंस्पेक्टर साहब लोग आए और फिर मैंने हजरत साहब को बुलाया और 10 मिनट के भीतर मौलाना चक की मस्जिद है उसके हजरत ने ऐलान किया, लोग घर चले गए कहीं को। अब देखिए SP का तो पूरा भागलपुर क्षेत्राधिकार है, इसलिए कार्रवाई में कोई क्षेत्राधिकार का बंटवारा नहीं है। कहीं भी पुलिस अपने ज्यूरिडिक्शन पूरे देश में हिंसा कर दी जा सकती है, इसलिए कोई ज्यूरिडिक्शन कोई मामला नहीं है। मामला इस बात का है कि कैसे डील किया जाए, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी उसको देख लेते हैं। जिसके बाद ततारपुर थाने में समाज के बुद्धिजीवियों और पुलिस के बीच बैठक हुई। हालांकि मौलाना चक के लोगों ने ततारपुर पुलिस पर दूसरे क्षेत्राधिकार में आकर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस को किसी घटना को अंजाम देने अपराधियों के एकत्र होने की गुप्त सूचना मिलती है तो क्या पुलिस दूसरे क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर मामले को नजरअंदाज करे या फिर अपने क्षेत्र में घटना होने तक इंतजार करे।